सो गाइस आज फाइनली आदिपुरुष का फाइनल वाला ट्रेलर आ चुका है। एंड देखो ये तुम्हें फाइनल वार्निंग देगा कि एक्चुअली में तुम्हें मूवी में दिखने क्या वाला है। अब तुम्हें ये ट्रेलर देखने के बाद साफ पता चल जाएगा कि इस मूवी के इफेक्ट शॉट्स कैसे हुए हैं सो कॉल्ड इम्प्रूवमेंट्स के बाद भी। अब ऐसा नहीं है कि इस ट्रेलर के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सब बुरी ही हैं, कुछ अच्छे खासे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। एंड देखो अभी तक ऑलमोस्ट हर एक क्रिएटर ने इस मूवी को क्रिटिसाइज कर लिया है, तो क्यों ना आज अपन इस मूवी को अप्रिशिएट करें। अब हाँ, मैं अंधभक्ति करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस उस चीज को अप्रिशिएट करने को बोल रहा हूँ जहाँ पे क्रिएटर्स ने जेन्युइनली एफर्ट डाला है। एंड देखो किसी भी चीज को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है जब तक आप खुद उस चीज को बनाओ ना, तो थोड़ा बहुत अप्रिसिएशन करने में अपना क्या जाता है। अब देखो जैसे ट्रेलर स्टार्ट होता है, सबसे पहला ही सीन सीता हरण का अपने को दिखाया जाता है। अपना जेन्युइन रिएक्शन बताऊं तो भाई इट लुक्स कूल एएफ। मतलब भाई क्रिएटर्स को एक अलग से हैट्स ऑफ देना पड़ेगा, उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ यूनिक सा टेक लिया सीता हरण वाले सीन के अंदर। क्योंकि जनरली जितनी बार हम लोगों ने सीता हरण वाला सीन देखा है, चाहे वो किसी टीवी सीरीज में हो या फिर कोई एनिमेटेड सीरीज में, वो बहुत सिंपल रहता है। रावण आता है, सीता का हाथ पकड़कर जबरदस्ती पुष्पक विमान उठा के ले जाता है। उस चीज से हट के कुछ अलग सा यूनिक सा टेक लिया इस सीन के अंदर जो कि दिखता है। एंड भाई उसको बहुत अच्छे तरीके से कैरी आउट किया गया एंड देखने में बहुत कूल लगता है। इसके ठीक बाद जब रावण का लुक रिवील होता है तो वो भी बहुत सही लगता है। माथे से तिलक हटता है, बाइसेप से जो रुद्राक्ष की माला रहती है वो टूटती है, और वही तड़कते भड़कते बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ रावण का लुक रिवील होता है। कुल मिला के यहाँ पर क्रिएटर्स की एफर्ट्स दिखती है कि भाई उन्होंने जो क्रिएटिव चॉइसेस रखे उस पर अच्छे तरीके से काम किया और उसे अच्छे तरीके से कैरी आउट किया, और इस चीज के लिए उन्हें अप्रिसिएशन जरूर करना चाहिए। एंड ऐसा ही एक सिमिलर शॉट था ट्रेलर के एंड होते होते जहां रावण का फाइनल लुक रिवील होता है। अब देखो जनरली रावण को 10 सर के साथ दिखाया जाता है, लेकिन इस मूवी के अंदर, इस ट्रेलर के अंदर स्पेसिफिकली उसे 2-3 वेपन से पहले दिखाया गया, उसके बाद उसके लुक को रिवील करते हैं एक ब्लू कलर की लाइटनिंग के साथ, खतरनाक बैकग्राउंड म्यूजिक और जबरदस्त साउंड इफेक्ट्स के साथ। और इन सब चीजों को मिलने के बाद एक बहुत ज्यादा कूल सा स्पेशल लुक रिवील देखने को मिलता है अपने को रावण का। एक्चुअली यहां पे एक नेगेटिव पॉइंट भी है जिसको अपन ट्रेलर के नेगेटिव सेक्शन में कवर कर लेंगे। अब पूरे ट्रेलर को देखने के बाद मैंने एक और चीज जो फिगर आउट करी वो एक्चुअली में ये है कि मूवी के 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक पार्ट ये समझ लो कि मूवी की स्टार्टिंग से लेकर सीताहरण तक का सीन, फिर सीताहरण के बाद से लेकर मूवी के एंडिंग तक का सीन। पहला वाला एस्पेक्ट जो सीताहरण तक का है, उसके अंदर मूवी तुम्हें यह दिखाएगी कि एक VFX विजुअल स्पेक्टिकल मूवी किसे कहते हैं, क्योंकि इसके 2-3 ग्लिम्स हमने राम सिया राम वाली म्यूजिक वीडियो के अंदर देखा था। एंड लिटरली इट डजंट डिसअपॉइंट, इट लुक्स फ्रीकिंग कूल। एंड शायद मूवी का जो पहला पार्ट है उसे बहुत अच्छे तरीके से टाइम लेके बनाया गया है, एकदम अच्छे से प्लान करके बनाया गया है, बहुत वेल रेंडर्ड है, कंपोजिटिंग सही है, जिस वजह से मूवी का पहला पार्ट यानी कि सीताहरण से पहले वाले जितने भी सीक्वेंसेस है, उसके जितने भी शॉट्स तुमको ट्रेलर टीजर म्यूजिक वीडियोस में दिखेंगे वो बहुत कूल लगते हैं। एंड फिर उसके बाद सीताहरण के बाद जो मूवी है वो डार्क मोड में चली जाती है। ऑब्वियसली हो सकता है कि भाई उन लोगों ने अपनी CGI और VFX की इनकंसिस्टेंसी और इनकम्प्लीटनेस को छुपाने के लिए मूवी को डार्क कर दिया, या फिर ये उनकी आर्टिस्टिक चॉइस रही हो कि भाई वो राघव के सोरो और सैडनेस को मूवी के डार्क टोन से सिग्निफाई करे। अब जो भी हो वो तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। एंड इसके अलावा एक और चीज जिसपे हम पहले बात कर चुके हैं, मूवी का म्यूजिक बहुत कमाल का है। मूवी में टोटल 5 गाने हैं, आज ही यूट्यूब पे इसका ऑडियो जूक बॉक्स रिलीज हो चुका है, तुम जाके सुन सकते हो। 2 म्यूजिक वीडियो है, जय श्री राम वाला और एक राम सिया राम वाला, दोनों ही खूबसूरत है, सुन के मजा आ जाता है। लिरिक्स को बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है एंड यहाँ पे उन्हें अप्रिसिएशन बनता है। इसके अलावा एक और चीज है जहाँ पे आदिपुरुष ने आउटस्टैंड किया और बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पता है वो क्या है? वो है डायलॉग्स। मूवी के अंदर बहुत ही भारी भरकम मैच्योर और बोल्ड डायलॉग्स लिखे गए हैं जो कि एट टाइम्स वर्क कर जाते हैं। अब देखो ट्रेलर के एंड होने से पहले एक डायलॉग राघव का है यानी कि प्रभास का, वो बहुत ही ज्यादा हिट करता है, तुम खुद सुनो। मैं इक्ष्वाकु वंशज राघव आपकी छाती में ब्रह्मास्त्र काटने के लिए विवश हूं। ऐसे डायलॉग्स और ऐसे एफर्ट्स गूज़बम्प्स दे जाते हैं अक्सर मूवी के अंदर। एंड देखो ये सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहां पे क्रिएटर्स ने एफर्ट्स डाला है तो अप्रिसिएशन तो बनता ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मूवी ऑल गुड है, तुम्हें एकदम हाई एक्सपेक्टेशन लेके मूवी को देखना चाहिए। मूवी के अंदर अभी भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं, 2 सबसे बड़े नेगेटिव पॉइंट VFX CGI। एंड भाई इस पे अगर मैं बात करूंगा तो 1-2 वीडियो और बन जाएगी, और इस पे प्रीवियसली भी हम बात कर चुके हैं तो ज्यादा बात नहीं करेंगे। एक्चुअली में आदिपुरुष के 3D मॉडल जितने भी थे यानी कि CG कैरेक्टर्स, उनके मॉडलिंग में और भी ज्यादा डिटेलिंग चाहिए थी, एनिमेशन में और भी ज्यादा वर्क चाहिए था, और 2-7 महीने का टाइम इन लोगों ने लिया अपने वापस से सुधार करने के लिए, वो काफी नहीं था। अब आप में से बहुत से लोग बोल सकते हो भाई मूवी में 700 करोड़ का बजट है, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, 700 करोड़ छोटी मोटी रकम नहीं है, लेकिन आपकी मूवी 90-95% अगर CGI शॉट से भरी हुई है तो 700 करोड़ भी बहुत कम लगेंगे।
अब देखो, जब मैंने बताया था रावण का स्पेशल लुक रिवील वाला शॉट दिखने में बहुत कूल लगता है, लेकिन इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है। एक्चुअली में ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, बस एक एडिटिंग एरर कह सकते हो या फिर उन लोगों ने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। अब बेसिकली जब पहला ट्रेलर आया था तो रावण का लुक किसी को पसंद नहीं आया था, सब उसे छपरी बोल रहे थे, प्लस वो ब्लू आर्मर पहना हुआ था, वो किसी को जमा नहीं था। ऑडियंस की ये डिमांड थी कि भाई इसको चेंज कर दो, पर थ्रू आउट द मूवी जो लोग एक कैरेक्टर का है उसको चेंज करने के लिए बहुत टाइम लगता है, और वार्नर ब्रदर्स जब सुपरमैन की मूंछें नहीं हटा पाए तो एक बियर्ड और एक पूरा सूट ओमराव की कंपनी क्या ही हटा पाती। तो एक्चुअली उनकी मार्केटिंग टीम ने ये प्लान बनाया कि चलो देखो, ऐसा है कि भाई रावण के लुक को तो ठीक नहीं किया जा सकता, पर जितने भी अपन ट्रेलर और टीजर निकालेंगे ना उसमें रावण को दिखाएंगे ही नहीं। लेकिन यहाँ पे वो लोग एक चीज मिस्टेक कर गए, अगर तुम सीन को जूम करके देखोगे तो तुम्हें यहाँ पे सैफ अली खान के रावण का लुक देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ वही ब्लू वाला आर्मर दिख जाएगा जो कि टीजर में था, जो कि अक्टूबर में आया था, उसके साथ वो बड़ी सी ढाड़ी यानी कि सो कॉल्ड छपरी वाला लुक वो भी दिख जाएगा। अब तुम जान चुके हो भाई तुम्हें मूवी से एक्सपेक्ट क्या करना है। इसके अलावा एक और शॉट इस मूवी के अंदर था जो कि पॉसिबली इस ट्रेलर का वन ऑफ द बेस्ट शॉट हो सकता था, बस उसमें थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट और चाहिए थी। ये वाला शॉट तुम खुद देखो, इसके सीजी कैरेक्टर सही लग रहे हैं, बैकग्राउंड वेल रेंडर्ड है, पर यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रभास का कैरेक्टर। हो सकता है कि प्रभास को जब इस सीन के लिए शूट किया गया हो तो भाई कोई भी लाइटनिंग को प्लान नहीं किया गया था और बाद में उसको कंपोजिट कर दिया गया है इस सीन के अंदर, और बिना लाइटनिंग के अगर ये सब चीजें हुई हैं और बिना लाइटनिंग के भाई उस डिजाइनर ने इस चीज को कंपोजिट किया है तो बहुत अच्छा काम किया है। इससे बेहतर शायद ही कुछ हो पाता, इससे बुरा भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ी लाइटनिंग उन लोगों ने शूट के टाइम पे ध्यान दी होती ना तो ये शॉट पॉसिबली ट्रेलर का मनी शॉट बन जाता और भाई बहुत ही ब्यूटीफुल लगता। खैर यही था एक छोटा सा वीडियो आदिपुरुष के फाइनल ट्रेलर को लेकर, बाकी बहुत जल्द मैं आदिपुरुष के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से रिलेटेड एक और वीडियो पोस्ट करूंगा, यानी कि प्रेडिक्शन टाइप ही समझ लो, तो अगर तुम उसको मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आओ तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर तुम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस इंडिया सिनेमा से रिलेटेड रेगुलरली देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। मेरा नाम है अविनाश और मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द किसी और ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।